नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी में महिला दिवस पर महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया और बताया कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वैक्सीन का टीका लगेगा। महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज का दिन पूरे विश्व भर में सुरक्षित है। इसी क्रम में महिला आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा उन्होंने पहला वैक्सीनेशन करवाया और उनका उद्घाटन किया, जिसके चलते आज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही कोविड वैक्सीन का टीकाकरण लगेगा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से अपील की है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, इससे डरे ना, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए, वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मैम, आप आज जिला अस्पताल में, जिला क्षय रोग अस्पताल में आई हैं, क्या प्रोग्राम था आज और क्या हुआ है यहाँ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 8 मार्च का दिन पूरे विश्व भर में महिलाओं के लिए सुरक्षित था। आज उसी क्रम में महिला आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारी जहाँ पे भी महिला आयोग की मेम्बरान है, चूंकि मैं झांसी में रहती हूँ और झांसी में सीएमओ के अनुरोध पर आज मैंने यहाँ अपना पहला वैक्सीनेशन लगवाया और इस वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। तो आज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही कोविड वैक्सीन लगेगा। साथ ही साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं और वैक्सीनेशन करवाने में कहीं कोई डर नहीं उनको लगना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अभी वैक्सीनेशन कराया है, मुझे पता भी नहीं लगा कि इंजेक्शन जैसा भी मुझे फील नहीं हुआ कि कोई चीज़ मुझे इंजेक्ट हुई, और तो सर और ना ही कोई मेरी बॉडी में कहीं कोई इस तरीके की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही, ना कोई ईचिंग, ना ही किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी। तो मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश की सभी बहनों से कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, कोविड-19 से अगर वो सुरक्षित होना चाहती हैं तो वैक्सीन कराएं, इससे कहीं कोई डरे नहीं और अफवाहें जो भी हैं उनसे वो बचें। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं से तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि वो बहुत जीवित होती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। सरकार ने उनके लिए अगर सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अगर कोई कदम उठाए हैं तो वो जरूर उनका लाभ लें। और समस्त बहनों से मेरी एक अपील कि वो जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वो अपने पैरों को वहाँ जमा कर खड़ी रहें, निश्चित रूप से वो सम्मान की पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में समस्त बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।